सो दोस्तों, अगर आपका भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अकाउंट है और आपका दोस्तों एटीएम कार्ड आ चुका है, तो आप किस तरीके से घर बैठे ऑनलाइन ही दोस्तों एटीएम पिन को जनरेट कर सकते हैं, बना सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि हमारे पास जो है डेबिट कार्ड हमें रिसीव हो चुका है, लेकिन इसको दोस्तों अभी तक मैंने अनपैक नहीं किया है। आपके सामने इसे मैं अनपैक करता हूँ दोस्तों, और इसका पिन जो है मैं यहाँ पर जनरेट अभी करने वाला हूँ। किस तरीके से दोस्तों हम ऑनलाइन घर बैठे पिन जनरेट करेंगे, आज का ये वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। तो दोस्तों, अगर आपका भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अकाउंट है तो इस वीडियो को आप एंड तक देख लें, और आपको दोस्तों देखने के बाद आपको है बहुत ही इन्फॉर्मेशन वीडियो होने वाली है, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों देखते हैं, हमारे पास जो है इस तरीके का इसे मैंने ओपन कर लिया। अब चलिए हम डेबिट कार्ड को बाहर निकाल लेते हैं। तो दोस्तों फाइनली डेबिट कार्ड जो है हमने यहाँ पर निकाल लिया है, और इस तरीके का दोस्तों हमें डेबिट कार्ड का लोगो मिल जाता है, देख सकते हैं। तो आप इसका पिन किस तरीके से जनरेट करेंगे, चलिए कंप्लीट प्रोसेस हम आपको दिखा देते हैं। अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगेगा दोस्तों, तो वीडियो को लाइक जरूर से करना, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसी तरीके का वीडियो देखने के लिए चैनल को हमारे लाल वाले बटन को दबा के सब्सक्राइब करना दोस्तों। चलिए आगे हम डिटेल में आपको दिखाते हैं इसका पिन कैसे जनरेट करना है, किस तरीके से किया जाता है, लाइव आपको इस वीडियो में देखने को मिल रहा है दोस्तों। तो दोस्तों आपको अपने मोबाइल के दोस्तों मैसेज बॉक्स को ओपन करना है, और इस नंबर को आपको टाइप करना है। या तो दोस्तों आपको इस तरीके का एक कार्ड के साथ दोस्तों आपको कवर मिलता है, जिसमें आपको बताया जाता है हाउ टू ब्लॉक। दोस्तों यहां पर कार्ड का ऑप्शन आपको मिलता है, और यहां पर दोस्तों पिन जनरेट करने का दोस्तों ऑप्शन यहां पर मिलता है, ठीक है। तो यहां पर दोस्तों आपको इस नंबर को जो है दर्ज कर लेना है आपको अपना मैसेज बॉक्स में, और जैसे दोस्तों मैसेज बॉक्स में आप दर्ज कर लेते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर दर्ज कर लिया है। दर्ज करने के बाद दोस्तों इस तरीके का इंटरफेस आ जाता है। अब यहाँ पर दोस्तों आपको क्या करना होगा, सबसे पहले दोस्तों इसको आपको यहाँ पर सारा चीज़ को जो स्मॉल में कर लेना है, ठीक है। और यहाँ पर करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर टाइप करना है, क्या टाइप करना है और किस तरीके से टाइप करना है, जो आपका यहाँ पर एटीएम पिन बनेगा वो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको स्पेस में लिखना है दोस्तों, देखते हैं आपको बड़ा अक्षर में लिखना है PIN। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर जो है अपना दोस्तों यहाँ पर कार्ड का जो आपको कार्ड मिला हुआ है SBI की तरफ से दोस्तों जो कार्ड मिला हुआ है, लास्ट का जो चार अंक आपको जो इस तरीके का देखने को मिलता है, इस चार अंक को दोस्तों यहाँ पर आपको फर्स्ट टाइम डाल देना है। और डालने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर अपना अकाउंट यहाँ पर स्पेस देना है, और लास्ट का दोस्तों अकाउंट का चार नंबर आपको यहाँ पर दर्ज कर देना है। अब जैसे दोस्तों दर्ज करते हैं, उसके बाद आपको यहाँ पर क्या करना है, जस्ट सेंड में क्लिक करना है। तो जैसे दोस्तों हम सेंड में क्लिक करते हैं, तो फाइनली दोस्तों इस तरीके का हमारे पास इस तरीके का देख सकते हैं मैसेज आ चुका है। और यहाँ पर दोस्तों मैसेज आने के बाद दोस्तों हमारा पिन जो है सक्सेसफुली दोस्तों यहाँ से बन चुका है, और हमारे पास दोस्तों पिन का हमें वन टाइम दोस्तों हमें पिन का भी मैसेज आ चुका है। तो इस तरीके से दोस्तों आप लोग पिन बना सकते हैं। ये आपका जो पिन है दोस्तों स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में पिन जो है आपका सक्सेसफुली दोस्तों बन चुका है। अगर बाय द वे अगर आपका किसी भी कारण से अगर आपका एटीएम पिन नहीं बनता है किसी प्रॉब्लम से, तो आप नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं दोस्तों। लेकिन पिन जो बनाने का जो सही तरीका है मैंने आपको सारा डिटेल में बता दिया। अगर आप लोग को फिर समझ में नहीं आ रहा दोस्तों, तो चलिए मैं फिर से शुरू से ही मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरीके से पिन को जनरेट किया जाता है, बनाया जाता है। हालांकि इसमें जो पिन है बन चुका है, लेकिन आपको फिर से मैं दोहरा के बताता हूँ ताकि दोस्तों आप सभी को दिक्कत ना हो। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं हमने यहाँ पर फिर से मैसेज बॉक्स को ओपन कर लिया, और जस्ट मैसेज बॉक्स में मैं क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर एक ऑप्शन आपको मिलेगा स्टार्ट चैट, इस पर आपको क्लिक करना है। और दोस्तों क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको टाइप कर देना होगा, जैसे कि मैंने आपको बताया था नंबर जो है 56, सॉरी यहाँ पर मैं डाल देता हूँ 56 76 76। इस नंबर को दोस्तों दर्ज कर देना है आपको अपने मैसेज बॉक्स में, और यहाँ पर दोस्तों इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको जो है टाइप करना है, सब बड़ा अक्षर में आपको टाइप करना है, इस पर डबल टाइप करेंगे, और यहाँ पर दोस्तों आपको लिख देना है PIN, पिन लिख देना है, स्पेस दे देना है। अकाउंट का दोस्तों लास्ट का चार अंक आपको यहाँ पर डाल देना है, जो भी अकाउंट का लास्ट का चार अंक होगा। और यहाँ पर दोस्तों डालने के बाद आपको यहाँ पर एक स्पेस देना है, और यहाँ पर दोस्तों आपको अपना जो कार्ड का जो है यहाँ पर जो कार्ड का दोस्तों लास्ट का चार अंक है, वो कार्ड का लास्ट का चार अंक आपको यहाँ पर डाल देना है। लास्ट का दोस्तों चार अंक यहाँ पर जैसे आप डालोगे दोस्तों, डालने के बाद आपको सेंड कर देना है आपके मोबाइल नंबर के साथ दोस्तों, जो मोबाइल नंबर रजिस्टर है जिससे आपने अभी मैसेज टाइप किया दोस्तों, आपके मोबाइल नंबर पे दोस्तों पिन जो है तुरंत के तुरंत दोस्तों बन के आ जाएगा SMS की मदद से। जैसे कि मैंने आपको बताया दोस्तों कि जिस तरीके का मैसेज जो है अभी मैंने आपको दिखाया कि मेरे पास मोबाइल में आया था, उसी तरीके का मैसेज आ जाएगा। अब दोस्तों उस मैसेज को आपको क्या करना है, उस मैसेज से दोस्तों आप लोग पैसा जो है अभी निकाल सकते हैं, लेकिन 24 घंटे के अंदर आपको कहीं पर भी दोस्तों SBI के दोस्तों आपको मशीन में जा करके आपको ATM पिन जो है चेंज कर लेना है। वो पिन जो है दोस्तों आपको 24 घंटे के लिए वैलिड रहता है, नहीं तो दोस्तों वो आपका जो पिन है एक्सपायर कर जाएगा।
और इस तरीके से दोस्तों आप लोग घर बैठे ऑनलाइन दोस्तों पिन बना सकते हैं SBI में, जैसे कि मैंने आपको सारा कंप्लीट प्रोसेस बता दिया। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सभी को वीडियो पसंद आया हो। दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगा हो साथियों तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपके मन में किसी प्रकार का कोई सवाल होगा, कोई भी अगर आपका पिन बनाने में कोई प्रॉब्लम आ रही है अब इसके बावजूद भी दोस्तों स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, तो आप मुझे दोस्तों नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो दोस्तों, तब जय हिंद, वंदे मातरम।